नमस्कार दोस्तों, आज का एडिटोरियल है फ्लैशिंग लाइट्स। फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है? चमकना, यानी कि शाइन करना। और एक और मतलब होता है क्विक, मतलब जल्दी, मतलब कुछ क्षण के लिए। और लाइट्स जो है, देखिए लाइट जो होता है वो क्या होता है? प्रकाश होता है, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, यानी कि वो जो है आप अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन यदि एस लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है बल्ब, यानी कि एक तरीके से वो लाइट होता है ना, जो कि आप जलाते हैं, तो वो लाइट्स होता है। तो लाइट्स का यहाँ पर फ्लैशिंग लाइट्स का जो मतलब है, वो कहने का मतलब है कि ऐसे लाइट्स, यानी कि एक तरीके से चमकते हुए लाइट्स आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक के सेंस में है, मतलब कहने का ये भी कोशिश की जा रही है कि हमारे जो इकोनॉमी में जो है लाइट्स, मतलब कि कुछ देर के लिए जलता है और कुछ देर के लिए फिर बुझ जाता है। वो इन द सेंस कहने का ये कोशिश की जा रही है कि जो इकोनॉमी में जो है कभी देखा जा रहा है कि बढ़ोतरी देखी जा रही है, और फिर अचानक से जो है अभी कोरोना वायरस के समय है दूसरी लहर का, तो उसमें जो है क्या होता है, लाइट्स ऑफ हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं गिरावट आने लगती है। तो उसी के संबंध में जो है आज का एडिटोरियल है, एज इन्फ्लेशन थ्रेटन्स इकोनॉमीज कंजम्पटिव कैपेसिटी। अब देखिए कंजम्पटिव कैपेसिटी क्या होता है, यानी कि उपभोग करने की जो क्षमता होती है लोगों की, या एक तरीके से पूरे नेशन की। जैसे मान लीजिए कि उपभोग करने के, जैसे आप चावल दाल वगैरह जो है वो जो एसेंशियल चीज़ है, लेकिन उसके अलावे जो है मान लीजिए गाड़ी खरीदते हैं या एसी खरीदते हैं या बहुत सारे कुछ जो कंजम, मतलब कंज्यूम करते हैं आप, ठीक है ना। तो कंजम्पटिव कैपेसिटी जो है वो इकोनॉमी का, वो क्या करता है, इन्फ्लेशन उसके लिए खतरा है, एक तरीके से वो खतरा पैदा करता है, ठीक है। एज इन्फ्लेशन थ्रेटन खतरा या जोखिम पैदा करता है इकोनॉमीज के कंजम्पटिव कैपेसिटी के लिए। तो उस मामले में क्या हो सकता है, कैश ट्रांसफर अगर कर दिया जाए सरकार के द्वारा, यानी कि नकद हस्तांतरण, तो ये जो है डिमांड बढ़ा सकती है, ठीक है ना। मतलब इकोनॉमी में फिर से डिमांड फिर से बढ़ सकता है। आइए आगे देखते हैं। आरबीआईज लेटेस्ट मंथली बुलेटिन हैज जस्ट कंफर्म्ड व्हाट मेनी इकोनॉमिस्ट एंड एनेक्डोटल एविडेंस हैव बीन पॉइंटिंग टू, अ शार्प ब्लैक साइड इन इकोनॉमिक मोमेंटम। यानी कि आरबीआई का जो नवीनतम या ताजा जो मंथली बुलेटिन जो है, ठीक है ना, बुलेटिन आता है एक तरीके से कह सकते हैं कुछ बिंदुओं का जो एक लेखा जोखा आता है, ठीक है, जो आरबीआई निकालती है मंथली मासिक बुलेटिन जो हैज जस्ट कन्फर्म, इसने जो है कन्फर्म पुष्टि की है। किस चीज़ की पुष्टि की है? व्हाट मेनी इकोनॉमिस्ट, जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं, अर्थशास्त्री जो हैं, एंड एनेक्डोटल एविडेंस। एनेक्डोटल का मतलब होता है जो साक्ष्य पर, या जो मतलब कि डाटा पर आधारित नहीं है, वो किससे कहानी वाला, मतलब कि किसी ने कहा और आप सुन के वो चीज़ बता रहे हैं। तो एनेक्डोटल एविडेंस और जो मेनी इकोनॉमिस्ट जो जिस तरफ इशारा कर रहे थे, उस चीज़ को जो है लेटेस्ट मंथली बुलेटिन आरबीआई की, उसको कंफर्म किया है, उसको पुष्टि किया है। वो चीज़ है क्या है, अ शार्प बैकस्लाइड, मतलब एक तेज गिरावट इन इकोनॉमिक मोमेंटम, यानी कि आर्थिक गति में एक तेज गिरावट। बैकस्लाइड का मतलब क्या होता है, कुछ आगे, मतलब कि कुछ अच्छे काम कर रहे हैं या फिर वापस पीछे की तरफ चले जा रहे हैं, यानी कि बैकस्लाइड हो रहा है। आप जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर जो है क्या हुआ, कुछ घटना घटी या कोई कुछ बात हुई, तो उसमें जो है आप पीछे की तरफ लौट आते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ से गिरावट आ जाती है। जैसे अभी इकोनॉमी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा, मतलब कि उसमें वृद्धि देखी जा रही थी, लेकिन अचानक कोरोना वायरस के दूसरी लहर आने से जो है वो नीचे की तरफ फिर से आने लगा। इसे बैकस्लाइड कहते हैं। इन एन आर्टिकल ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसके ऊपर एक लेख पर, ठीक है ना, एक लेख में आरबीआई जो है, आरबीआई के जो ऑफिशियल ने, जिसमें शामिल है डेप्यूटी गवर्नर माइकल देब्रत पात्रा, यानी कि जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं माइकल देब्रत पात्रा के साथ साथ जो आरबीआई के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो है अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जो एक लेख में क्या किया है, हैव फ्लैग्ड
फ्लैग का जो मतलब समझिए, फ्लैग का मतलब होता है, एक तो फ्लैग का मतलब जानते हैं झंडा होता है, लेकिन एक मतलब होता है मार्क करना, चिन्हित करना, और एक मतलब होता है किसी को वार्न करना, चेतावनी देना, मतलब कि एक तरीके से उसको क्या कहेंगे, और कुछ हो सकता है इसका, चेतावनी, चेतावनी बेहतर शब्द है, ठीक है ना, आगाह करना, ठीक है ना। तो हैव फ्लैग द डिमांड शॉक इन्फ्लिक्टेड बाय द फेरोसियस सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। इसने जो है चेतावनी दी है, ठीक है, इस लेख में चेतावनी दिया गया है डिमांड शॉक का, ये जो मांग की जो मतलब कि शॉक लगा है एक तरीके से, जो आघात लगा है मांग में, ठीक है, जो उत्पन्न हुआ है, इन्फ्लिक्टेड हुआ है किसके वजह से, फेरोसियस बड़ा उग्र दूसरी लहर कोविड-19 के पेंडेमिक की, यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक महामारी का जो दूसरा लहर है जो कि बड़ा उग्र है, उसके द्वारा उत्पन्न जो, या उस वजह से जो उत्पन्न हुआ है डिमांड शॉक, मतलब डिमांड को जो एक धक्का लगा है उसका एक उस उसको जो है उसने चेताव उसके बारे में उसने चेतावनी दी है, ठीक है, उसके लिए आगाह किया है स्पेसिफिकली, विशेष रूप से दे हैव साइटेड द लॉस ऑफ मोबिलिटी। खास करके उसने क्या किया है, आरबीआई के जो ऑफिशियल्स जो हैं उसने उद्धृत किया है किस चीज़ के लिए, लॉस ऑफ मोबिलिटी, यानी कि मोबिलिटी का नुकसान होगा, यानी कि मोबिलिटी इन द सेंस अक्सर, लेकिन जैसे जान माल का जो है मोबिलिटी जो है, यानी कि यहाँ से वहाँ जाना, या कोई भी सामान का, जैसे चूंकि अभी तो सारा लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से क्या होता है, मोबिलिटी बिल्कुल ठप पड़ जाती है, मोबिलिटी समझ रहे हैं ना, मतलब कि गतिशीलता वो बिल्कुल ठप पड़ जाती है। तो उसने जो है किस किस चीज़ को उद्धृत किया है, किस चीज़ को बताया है, लॉस ऑफ मोबिलिटी, और क्या है, इम्पैक्ट ऑन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है जैसे आप, आपको बताया कि जो एसेंशियल गुड्स है जैसे चावल दाल ये वगैरह जो आप यूज, मतलब कि अपने उपभोग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके अलावा जो एसी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हुआ। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जो खर्च में जो है इम्पैक्ट होना, यानी कि असर पड़ना, एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, और क्या है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी में जो है बढ़ोतरी, एक क्लियर साइंस के रूप में, मतलब कि एक स्पष्ट संकेत के रूप में इसने साइट किया है, इसने उद्धृत किया है इन चीज़ों को, कि दैट डिमांड इज, कि जो डिमांड जो है वो डॉल्ड्रम्स है, डॉल्ड्रम्स में है, इन द डॉल्ड्रम्स, डॉल्ड्रम्स जो है एक शब्द आया है वो मतलब कि ये ज्योग्राफी का शब्द है, समझिए कि निर्बात होता, मतलब कि ऐसा जगह समुद्र में या नदी, समुद्र में ही कहिए, जहाँ पर जो है हवा बिल्कुल नहीं है, निर्बात रहता है, इन द सेंस वहाँ पर जो है जो मोबिलिटी है, या कह सकते हैं आप जो गति है जहाज़ों का, वो बिल्कुल रुक सी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डॉल्ड्रम्स का मतलब क्या है, सुस्त पड़ना, एक्टिविटी बिल्कुल मतलब कि खत्म हो जाना, इकोनॉमिक सेंस में इन द डॉल्ड्रम्स का मतलब मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बिल्कुल ठप पड़ जाता है। तो वही कह रहा है कि डिमांड जो है बिल्कुल ठप पड़ गया, बड़ा सुस्त हो गया है, ये क्लियर साइंस है, क्योंकि आपकी मोबिलिटी खत्म हो जाती है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जो है प्रभाव पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट, यदि अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो ऑब्वियस है कि लोग जो है कैसे खरीदेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होती है। तो ये एक क्लियर साइंस है कि कहीं ना कहीं एकदम स्पष्ट संकेत है कि डिमांड जो है वो डॉल्ड्रम्स में है, बिल्कुल सुस्त है, बिल्कुल इनएक्टिव है। सेपरल हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक ही टाइम पीरियड में कोई चीज बार बार घटना, तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो होते हैं, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा जिसका होना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक ही पीरियड में जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो संकेतक होते हैं अप्रैल का, ठीक है ना, अप्रैल के लिए, ठीक है ना, हैव कैप्चर्ड द रिवर्सल इन मोमेंटम। इसने जो है क्या कैप्चर्ड किया है, रिवर्सल को मोमेंटम में, मतलब कि इकोनॉमी मोमेंटम, मतलब आर्थिक गति में जो है गिरावट, मतलब कि पीछे की ओर, ठीक है ना, मतलब आर्थिक गति में गिरावट को जो है इसने कैप्चर्ड किया है। कैप्चर्ड का मतलब यहाँ पर पकड़ना नहीं, मतलब कि इसको जो है एक तरीके से जैसे कोई घटना घटती है, ठीक है ना,
या तो उसको जो है आप कैप्चर्ड कर लेते हैं, यानी कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो मन मस्तिष्क में जो है उसका छाप छूट जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि ये इंडिकेटर्स जो है ना कहीं ये मोमेंटम का, जो इकोनॉमिक मोमेंटम है उसमें गिरावट का, उसमें नीचे जाने का जो है उसको कैप्चर्ड किया है, उसको मतलब कि एक तरीके से उसको उस इंडिकेटर्स ने बताया है। जीएसटी ई वे बिल्स, जो जीएसटी का जो ई वे बिल्स है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल्स है जो है, एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द डोमेस्टिक ट्रेड, ये एक इंडिकेटर है, ठीक है ना। जीएसटी ई वे बिल्स जो है ये एक संकेतक है किस चीज का, डोमेस्टिक ट्रेड मतलब कि जो घरेलू जो व्यापार हो रहे हैं उसके स्वास्थ्य का, मतलब उस वो कैसी स्थिति में है उसका ये जो है इंडिकेटर है। वो क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब उसमें एक तरीके से गिरावट आई है। कितना परसेंट, 17.5% मंथ ऑन मंथ, यानी कि महीने दर महीने, ठीक है ना। वाइल ऑटोमोबाइल फ्यूल कंजम्पशन, जबकि जो ऑटोमोबाइल का जो फ्यूल कंजम्पशन है, यानी कि जो ऑटोमोबाइल में जो फ्यूल लगता है तो उसकी जो खपत है, ठीक है ना, कमर्शियल व्हीकल सेल्स यानी कि जो वाणिज्यिक जो वाहन का जो बिक्री है, एंड डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक, और जो घरेलू जो है हवाई यात्रा, हवाई यात्री के जो यातायात है, ट्रैफिक जो है, वो सारे जो है उसमें गिरावट आई है, श्रैंक हुआ है फ्रॉम द प्रिसीडिंग मंथ, पिछले महीने से। एंड द प्रीवियसली रिलेटिवली अनस्कैथड रूरल इकोनॉमी टू शो डिमांड बिगिन टू ड्राई अप एज न्यू इन्फेक्शन स्प्रेड वाइडर एंड डीपर इन टू द कंट्री साइड, अ ट्रेंड रिफ्लेक्टेड इन अ 33.5% कॉन्ट्रैक्शन इन द डिस्पेचेस ऑफ टू व्हीलर्स एंड अ पल्पेबल वीकनिंग इन डिमांड फॉर ट्रैक्टर्स। यहाँ देखिए, एंड द प्रीवियसली, और जो पहले का जो मतलब कि रिलेटिवली अपेक्षाकृत अनस्कैथेड रूरल इकोनॉमी, यानी कि पहले, इससे पहले जो है क्या देखा गया था, अपेक्षाकृत जो है जो रूरल इकोनॉमी जो है जो थी वो अनस्कैथेड था। अनस्कैथेड का मतलब होता है अनहार्म्ड, जिसको कोई क्षति नहीं पहुंची थी, ठीक है ना। तो पहले का मतलब प्रीवियसली, पहले का जो अपेक्षाकृत अनस्कैथेड रूरल इकोनॉमी में भी देखा गया, भी मतलब टू मतलब भी देखा गया क्या, डिमांड को सूखते हुए, मतलब डिमांड कम होते हुए, क्योंकि एज मतलब क्योंकि न्यू इन्फेक्शन जो है वो फैला, स्प्रेड यहाँ V2 है, ठीक है ना, वो फैल गया वाइडर, व्यापक रूप से और गहरे रूप से इनटू द कंट्री साइड, यानी कि ग्रामीण इलाकों में। अ ट्रेंड, ये एक ऐसी प्रवृत्ति थी, एक ऐसा रुझान था जो रिफ्लेक्ट हुआ किस चीज में, जो देखा गया किस चीज में, इन अ 33.5% कॉन्ट्रेक्शन इन द डिस्पैचेस ऑफ द टू व्हीलर्स, यानी कि दो पहिए वाहनों के जो डिस्पैचेस जो जो भेजे जाते हैं उसमें 33.5% की कमी देखी गई, ठीक है। एंड पल्पेबल, पल्पेबल मतलब कि व्यापक, मतलब कि एक तरीके से अस्पष्ट कहिए या प्रत्यक्ष कहिए, ठीक है ना, वीकनिंग मतलब कमजोर होना इन डिमांड फॉर ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स के डिमांड में भी एकदम अस्पष्ट, एकदम बिल्कुल प्रत्यक्ष मतलब वीकनिंग मतलब कमजोर होना, ठीक है ना, वो भी देखा गया है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल्सो इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट विच हिट अ 4 month हाई ऑफ 10%, सॉरी 8% इन अप्रैल एज पर अ सर्वे बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। अब कहा जा रहा है कि ये जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है, ये एक संस्था है, इसके द्वारा एक सर्वे किया गया था, उसके अनुसार, एज पर उसके अनुसार अप्रैल में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो क्या हुआ, हिट किया, यानी कि ये जो है 4 month के हाई को, यानी कि 4 month में सबसे हाई 8% जो है वो अप्रैल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया, ठीक है ना। किसके अनुसार, ये जो है एक सर्वे किया गया था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, और वो जो था वो अनएम्प्लॉयमेंट जो वो क्या हो गया, 9.85% ऑन May 18, 18 मई को 9.5% हो गया, और ये बेस्ट था किस चीज पर, 30 डे मूविंग एवरेज, यानी कि 30 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है,
एवरेज तो एवरेज समझते हैं, जैसे 12 महीना का एक एवरेज निकाल लिए उसके अनुसार। मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जैसे एवरेज तो निकालते हैं, लेकिन ये जो सबसे लेटेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी मई महीना चल रहा है, तो उसको देखते हुए जो है आप एवरेज निकालते हैं, ठीक है ना, पूरे महीने का लेके। लेकिन मेन होता है आपका जो लेटेस्ट मंथ का, उसको आप एवरेज में निकालते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। हो सकता है आप इकोनॉमी का बहुत अगर कोई हो जिनको ज़्यादा क्लियर हो तो वो बता सकते हैं इस चीज़ को। तो ये जो मई 18 को जो है, ये जो 30 डे का मूविंग एवरेज के आधार पर जो है, ये 18 मई को जो है 9.5% था, ठीक है। क्रूसिली रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कैप्चर्ड बाय द मूविंग एवरेज। ये जो ये महत्वपूर्ण है कि ये जो मूविंग एवरेज के द्वारा जो रखा गया या समझा गया, या इसको कह सकते हैं कैप्चर्ड किया गया, रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, यानी ग्रामीण जो बेरोजगारी है, वो बढ़ के कितना हो गया, 8.6%। एंड दिस एट ए टाइम, और ये जो है एक ऐसे समय में जब पैंडेमिक का जो ग्रिप है, पैंडेमिक का जो पकड़ है, और जो हायर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ और जो स्वास्थ्य पर जो है अधिक खर्च जो हो रहा है, आर लाइकली टू बी पुशिंग अप प्रिकैरिटी अमंग हाउस होल्ड इन द हिंटरलैंड, यानी कि दूरदराज के क्षेत्रों में जो घर हैं उनके बीच जो है प्रिकैरिटी, मतलब कि अनिश्चितता को ये पुशिंग अप कर सकता है, मतलब कि लाइकली है, लाइकली मतलब संभावना है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि एक ऐसे टाइम में ऐसा ये हो रहा है, जिसकी वजह से जो है पैंडेमिक का जो ग्रिप है, यानी कि पैंडेमिक जो है अपने चपेटे में जो सभी को ले रही है, ठीक है ना, एक तरीके से उसका जो पकड़ है, और इस वजह से जो हेल्थ में जो खर्चे हो रहे हैं और ज़्यादा, ठीक है, लोग हेल्थ में खर्च जो कर रहे हैं, आर लाइकली टू बी पुशिंग अप, वो जो है कहीं ना कहीं ये प्रिकैरिटी अनिश्चितता को बढ़ाएगी अमंग हाउस और घरों के बीच जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में है, ठीक है। लुकिंग अहेड, भविष्य को देखते हुए, द क्रिटिकल रिस्क टू द इकोनॉमी, जो क्रिटिकल रिस्क है, गंभीर एक तरीके से कि जो जोखिम है इकोनॉमी के लिए, वो इवन एज इट ट्राइज, भले ही ये जो है कोशिश कर रही है रिकवर करने की फ्रॉम द लास्ट ईयर्स क्रिपलिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर का जो क्रिपलिंग कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो एक तरीके से जो गिरावट जो थी, कॉन्ट्रैक्शन में गिरावट, ठीक है, पिछले साल का जो फिस्कल फिस्कल मतलब राजस्व या राजकोषीय जो मतलब लास्ट ईयर का जो मतलब ये कहिए जो जो फिस्कल ईयर था, ठीक है ना, जो राजस्व जो वर्ष था, उसका जो क्रिपलिंग कॉन्ट्रैक्शन जो था, यानी कि एक तरीके से पंगु बना देने वाला जो गिरावट जो थी, उससे ये कोशिश कर रहा है मतलब कि रिकवर करने की, ठीक है ना। लेकिन ये जो क्रिटिकल रिस्क जो है टू द इकोनॉमी इज पोज्ड, ये जो है रिस्क के लिए आ रहा है, इज पोज्ड बाय द स्पीड, ये जो है ये उत्पन्न हो रहा है उस स्पीड से, उस गति से ये उत्पन्न हो रहा है, मतलब ये क्रिटिकल रिस्क जो इकोनॉमी के लिए जो है, जिस गति से जो है वायरस लगातार फैलता जा रहा है देश में, विद द पेस ऑफ वैक्सीनेशन हैविंग स्लोड नेशन वाइड, ये जो पेस है, ये जो गति है वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, वो पूरे राष्ट्र में जो है वो स्लो हुआ है, मतलब कि थम सा गया है एक तरीके से, मतलब उसमें कमी आई है, मोर सो खास करके, या मतलब कि और अधिक जो है ये रूरल और सेमी रूरल एरियाज में हुआ है, यानी कि ग्रामीण और मतलब कि सेमी ग्रामीण जो एरियाज हैं उसमें हुआ है। द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, यानी कि कृषि क्षेत्र जो है, इज लाइकली टू फेस चैलेंज, उसको जो है चुनौती का सामना करना पड़ेगा इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में, जब सोइंग यानी कि बुआई जो है फॉर द खरीफ क्रॉप, खरीफ फसल के लिए जो बुआई है, विल नीड टू बी डन, जब इसकी जरूरत होगी, मतलब कि बुआई की जरूरत होगी खरीफ फसल के लिए, तब और भी ज़्यादा चैलेंजेस, मतलब और भी ज़्यादा मतलब कि चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को। द रिपोर्ट्स ऑन द इन्फेक्शंस एंड डेथ्स लिंक्ड टू द डिजीज फ्रॉम द विलेजेस एंड टाउन्स पोर्ट्रे अ ग्रीम पिक्चर, एंड इट इज हार्ड टू सी रूरल डिमांड फॉर एनीथिंग अदर देन द बेरेस्ट ऑफ एसेंशियल इंक्लूडिंग फूड एंड मेडिसिन रिवाइविंग एनी टाइम सून। ये जो रिपोर्ट्स है इस चीज को लेकर, इन्फेक्शंस को लेकर और डेथ्स को लेकर, जो कि
डिजीज से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये जो संक्रमण है और जो बीमारी से जुड़े हुए जो डेथ हैं, जो मौत है, उसका जो रिपोर्ट है विलेज से और टाउन से, गांव से और शहरों से जो है, ये पेश करता है, पोर्ट्रे करता है एक गंभीर गंभीर छवि को, एक गंभीर मतलब कि पिक्चर पेश करता है। एंड इट इज़ हार्ड टू सी, और ये बहुत मुश्किल है ये देखना कि रूरल डिमांड जो है किसी भी चीज़ के लिए अदर देन द बेरेस्ट ऑफ एसेंशियल्स, मतलब कि सबसे मतलब कि बेरेस्ट ऑफ एसेंशियल का मतलब समझिए, ऐसा चीज़ जो कि बिल्कुल ज़रूरत हो आपके जीवन यापन के लिए, जैसे कि खाना हो गया आपका, ठीक है, मतलब कि किसी भी तरह जीने के लिए जो जो जरूरी है, तो वो जो बेरेस्ट ऑफ एसेंशियल को छोड़कर कोई भी चीज के लिए जो डिमांड, मतलब कि रूरल डिमांड है, ग्रामीण जो डिमांड है, ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग फूड एंड मेडिसिन, जिस ये जो बेरेस्ट ऑफ एसेंशियल्स में जो है फूड और मेडिसिन शामिल है, तो ये जो यहाँ से जो है रूरल, ये देखिए, इट इज हार्ड टू सी रूरल डिमांड, ठीक है, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए अदर देन द बेरेस्ट ऑफ एसेंशियल इंक्लूडिंग फूड एंड मेडिसिन, यानी कि फूड और मेडिसिन सहित जो बेरेस्ट ऑफ एसेंशियल है, मतलब कि मूलभूत चीजें जो है, उसके अलावे किसी भी अन्य चीज के लिए जो रूरल डिमांड है, वो रिवाइव होते हुए देखना बहुत ही मुश्किल है आने वाले समय में, ठीक है, एनी टाइम सून। एंड एड टू दिस द राइजिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स, इसमें जोड़ मतलब इसमें जोड़िए बढ़ता हुआ जो लागत है ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स का, यानी कि परिवहन जो ईंधन का, वो जोड़ते हैं, एंड द शार्प इंक्रीजेस, और जो एक तेजी से बढ़ोतरी हो रही है इन कॉमोडिटी प्राइसेस में, ठीक है ना, जो जो माल है, जो वस्तु है, उसमें जो एक तेजी देखी गई है, ठीक है, कटिंग अक्रॉस, जो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी है और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स सेगमेंट्स में भी है, ठीक है नहीं, यानी कि ये जो कमोडिटी प्राइसेस में जो इंक्रीज है, ठीक है, वो एग्रीकल्चरल सेगमेंट्स में भी है और इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक जो कच्चा माल है उस सेगमेंट्स में भी है। एंड वन सीज अ वर्सनिंग ऑफ डोमेस्टिक कॉस्ट कंडीशन, और कोई भी इसे देख सकता है, मतलब कि खराब होते हुए, बदतर होते हुए डोमेस्टिक कॉस्ट को, कॉस्ट कंडीशंस को, ठीक है ना, यानी कि जो घरेलू लागत जो स्थिति है, जो कंडीशन है उसका, उसको और बदतर होते हुए कोई भी देख सकता है, एज द आरबीआई ऑफिशियल्स वार्न, जैसे कि आरबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो चेतावनी देते हैं, एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, बढ़ता हुआ जो महंगाई है थ्रेटन्स द इकोनॉमीज ओवरऑल कंजम्पटिव कैपेसिटी, ये जो बढ़ता हुआ जो इन्फ्लेशन है ये जोखिम में डालता है इकोनॉमी के, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो समग्र जो कंजम्पटिव कैपेसिटी है, जो उपभोग करने की जो क्षमता है, उसको खतरे में डालता है। एंड पॉलिसी मेकर्स, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति निर्धारक हैं, उनको ज़रूरत है सतर्क रहने की, नीड टू बी वेरी किस चीज़ के बारे में, ऑफ द रियल डेंजर ऑफ स्टेगफ्लेशन, यानी कि स्टेगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी स्थिति जब महंगाई तो बढ़ती है लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल नहीं बढ़ती है, तो इसे कहते हैं हिंदी में मुद्रा स्फीति जनित, मतलब कि मुद्रा स्फीति के कारण जो स्थिति, मतलब कि जो महंगाई है, ठीक है ना, मुद्रा स्फीति के कारण जो एक मतलब मंदी जो है, सॉरी, मंदी जो है मुद्रा स्फीति के कारण, ठीक है, जो मंदी आ जाती है, तो उसके रियल डेंजर के बारे में जो है पॉलिसी मेकर्स को सतर्क रहने की जरूरत है। द श्रिंकिंग फिस्कल स्पेस नॉट स्टैंडिंग, मतलब ये जो घटता हुआ, सिकुड़ता हुआ जो फिस्कल स्पेस है, जो राजस्व दायरे हैं, ठीक है, नॉट स्टैंडिंग मतलब इसके बावजूद, मतलब कि इसके बावजूद कि जो घटता हुआ जो राजस्व दायरे हैं, ठीक है ना, अथॉरिटीज मतलब कि जो अधिकारी हैं उनको क्या करने की जरूरत है, उनको जरूरत है स्पेंड, खर्च करने की मोर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑन एन एक्सपेडाइटेड नेशन वाइड वैक्सीन, यानी कि शीघ्र जो राष्ट्रव्यापी जो एक वैक्सीन रोल आउट पर जो है, रोल आउट का मतलब निकालना एक तरीके से, उसको सामने लाना या उपलब्ध कराना, तो वैक्सीन को जो है राष्ट्रव्यापी मतलब कि शीघ्र से शीघ्र राष्ट्रव्यापी वैक्सीन को रोल आउट करने के लिए जो है उसमें अथॉरिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, अथॉरिटीज़ मतलब समझ रहे हैं सरकार,
तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खर्च करने की ज़रूरत है एंड मस्ट सीरियसली कंसीडर, और जो है गंभीरता पूर्वक जो है विचार करना चाहिए उन्हें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स को टू बूस्ट डिमांड, यानी कि डिमांड को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स मतलब कि प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के बारे में भी विचार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही समाप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।